विश्व भर में व्याप्त कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अमल करना आरंभ कर दिया है। इसके लिए जिला जिंद स्वास्थ्य विभाग ने आज कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर डमी मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल जिला भर में पूर्व में चयनित 6 स्थानों पर की गई, जिसकी अगुवाई सिविल सर्जन जिंद डॉक्टर मनजीत सिंह ने की। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार आज डमी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया गया ताकि जब कोरोना वैक्सीन का वितरण हो तो उस समय किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो और मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका पता लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर जिला के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए तमाम प्रबंध पुख्ता है। उप सिविल सर्जन नवनीत सिंह ने भी मॉक ड्रिल के प्रबंधों का जायजा लिया। तो ये कोरोना की महामारी चली हुई है, इसके लिए जो वैक्सीन हमारे देश में आई है या बनाई गई है उसको हमने लगाने से पहले एक मॉक ड्रिल या जिसको ड्राई रन कहते हैं वो किया है। मतलब कि उसमें वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही है। और हमने 25 डमी मरीज बुलाए हुए हैं और ज़िले में कुल 6 जगह है हमारे पॉलीक्लिनिक में, उचाणा, नरवाणा, सफीदों, काड़वा और अड़ेवा, ठीक है। और ब्रीफ आपको हमारे ये डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर हैं डॉक्टर नवनीत और डॉक्टर दीपिका हैं हमारी अर्बन नोडल अफसर। 6 जगह ड्राई रन का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये 6 जगह हमने जो चयनित की थी वहाँ 6 की 6 जगह हमने सक्सेसफुली ड्राई रन कंडक्ट किया आज। इसमें हमने एक्चुअल बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कोविन सिस्टम है हमारा, भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर हमारा सारा बेनिफिशियरी डाटा अपलोड किया गया था, उसी की एफिकेसी और रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग और सारा सिस्टम हमने चेक करने के लिए कि हर चीज़ हमारी काम कर रही है या नहीं, ताकि हम जब एक्चुअल जब बेनिफिशरीज के पास जाएं उससे पहले ये ना कि जो त्रुटियां हमें पता लगा सके। इसलिए ये जो ड्राई रन है एक तरह की मॉक ड्रिल थी जो आज हमने कंडक्ट की है। इसमें एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, परंतु उसके अलावा ऑनलाइन रियल पोर्टल पर सारी एंट्रीज, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने चेक किया कि कैसे हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक आइडियल साइट को हमने डेवलप करना है ताकि ये ना हो कि लोग हमारे लिए पास अपने बचाव के लिए टीका लगवाने आए हैं और हम उनको इन्फेक्शन ना दे दें। तो सारी चीज़ें एक तरह से लर्निंग प्रोसेस की तरह हमने इसको लिया है और हमारी अगर कोई कमियां है ताकि हम समय अनुसार उनको पता कर सकें और उसको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। कैसे लगाए जाएंगे, जैसे कि आपने बताया किस तरह से अपने आपको भी सुरक्षित रखना है, क्या करना है? देखिए, इसमें सबसे पहला है कि भाई जो भी बेनिफिशरीज हैं और जो भी हमारा स्टाफ ऑन ड्यूटी रहेगा उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना होगा कि कोविड संबंधी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो हमने उसके अंदर मेंटेन रखने हैं। इसके बाद जो भी हमारा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पहले से ही रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज होंगे। जैसे पहले चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें हमारी फोर्सेज होती हैं और हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, रेवेन्यू स्टाफ हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। थर्ड स्टेज में हम जनरल पब्लिक में जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को कवर करेंगे। उसमें भी हमने 2 में कवर कर रखा है, 50 से 60 साल और 60 साल से ऊपर के। उसके बाद चौथे चरण में हम लोग 50 साल से नीचे के उन लोगों को पहले कवर करेंगे जिनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी या कोई क्रोनिक डिजीज़ है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। कितनी टीम गठित की गई है, इसमें कौन से जो कर्मचारी संगठन? देखिए, इनिशियली चूंकि ये एक हमारा फिक्स कोहोर्ट है हमारी बेनिफिशरीज का कि हेल्थ केयर वर्कर्स को हम वैक्सीनेट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम शुरू में जो सेशन साइट्स बनाएंगे वो हमारी PHC स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में ही होगी। तो जैसे हमारे 34 संस्थान हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे वैक्सीनेशन सेशंस लगाएंगे। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर नवनीत, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी। पहला हमने रखा है वो है वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 1। वो आने वाले जो बेनिफिशियरी होंगे उनको चेक करेगा कि उनके मोबाइल में फ़ोन मैसेज आया है या नहीं आया है। वो लिस्ट में नाम चेक करेंगे, बाकायदा एक आईडी दिखाई जाएगी जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले। उसके बाद फिर हमारा दूसरा चरण होगा, उसमें वेटिंग रूम होगा जो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग करके उन लोगों को बैठना है, एक कुर्सी छोड़ के, एक सबने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण होगा उसमें हमारे IT स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, जो एक पूरा ऑनलाइन पोर्टल है उसके अनुसार ही सब कुछ होना है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो चेक करेंगे सब उनका सर उसमें डिटेल्स वगैरह सब फिल कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी जो चौथी साइट होगी वहाँ पे वैक्सीनेशन लगेगा। वैक्सीनेशन लगने के बाद जो बेनिफिशियरी है उसको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ब्रेथलेसनेस दिक्कत तो नहीं हो रही है या फिर रैशेज, स्वेलिंग ये सब हो जाती है। तो हम 30 मिनट पेशेंट्स को बिठा के रखेंगे, एकदम से नहीं भेजेंगे वेटिंग एरिया में। दी जाएंगे जो आज पोलिक्लिनिक में आपने डेमो किया, जो आगे चेक किया जाएगा,
सुविधाएं उनको अच्छे से बिठाया जाएगा कि उनको बताया जाएगा कि भाई मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उनको, कि 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, उनके फ़ोन पे मैसेजेस आएंगे, होने के बाद भी उनके फ़ोन पे मैसेज होगा कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है। कितनी डोज लगती है? दो डोज लगेंगी, एक आज जैसे लगी तो फिर दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी। आपका नाम है? डॉक्टर दीपिका। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।